दोस्तों स्वागत है आपका समर वेकेशन की सीरीज में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम लोग आए हैं नुमाइश ग्राउंड, वहाँ खुला है फिश टनल, कानपुर का पहला अंडरग्राउंड फिश टनल है जो कि यहाँ ओपन हुआ है। 100% टिकट है तो उसका टिकट परचेज करते हैं और चलते हैं अंदर, नुमाइश भी घूमे और आपको फिश टनल दिखाएंगे। तो टिकट आपको जब भी लेना हो तो इस काउंटर से लीजिए जो फिश टनल के पास है, 100 रुपीज का टिकट है जिसमें आपको फिश टनल और नुमाइश देखने को मिलेगा। तो बस चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये सामने ही फिश टनल बना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं ये फिश टनल है, वहां से एंट्री होगी। ये टिकट है, यहाँ से आपको टिकट लेना है और ये पूरा नुमाइश है, इसके अंदर से आप जा सकते हैं पूरा अंदर तक। तो दोस्तों जैसे ही एंट्री करते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन हम लोग को देखने मिलता है ये एक्वेरियम, जिसमें छोटी छोटी स्मॉलेस्ट फिश ऐसा ऑरेंज कलर की तरह आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्वेरियम की तरफ जो कि बड़ा सा है खूब, उसके अंदर छोटी छोटी फिश ऐसा है, बहुत ही कलरफुल ब्राइट फुल अंदर सकता है आप, कितने रंगीन है, पिंक ऑरेंज ग्रीन वाइट रेड हर कलर की आपको मछली इसमें देखने मिली, और देखने में भी कितनी प्यारी और अच्छी लगती है, बहुत सी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ 100 रुपीज में जाके इन फिशेस का एक्सपीरियंस ऐसा थिंक एंजॉय कर, चलो पब्लिक आप देख सकते कितना क्राउड है, मैं मंडे को जाए तब इतना क्राउड है तो संडे को कितना होगा। और आप जो ये फिशेस देख रहे हैं इसको आपने बहुत से लोगों घर में देखी हुई, लोग अपने पॉट्स में इसको एक्वेरियम में रखते हैं, ये वही फिशेस। और इसके पीछे सेकेंड टनल है, हम लोग उस वहाँ भी चलते हैं, आगे से लेफ्ट है, ऐसे लेफ्ट टर्न होता है तो सेकेंड टनल स्टार्ट हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज इन्होंने करी है कि हर जगह इन्होंने एयर कंडीशन लगा रखे है, हर एक एक्वेरियम के पास आपको एयर कंडीशन देखने मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इंसान और फिशेज दोनों मर जा रही है, तो उनको जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगा रखी है। बाकी अभी सामने देखते हैं छोटे छोटे शाह के बच्चे लग रहे हैं और बहुत ही डेंजरस ये गुरु मैराथन। और आप जो ये देख रहे हैं बाइक सी फिश ऐसा है, कितनी क्यूट लग रही है, आप यहाँ पे बहुत सी है, देखता हूँ कितनी क्यूट सी प्यारी प्यारी लगी। अगर आपको फिश का एंजॉय करना है एक्वेरियम में ना तो जरूर यहाँ विजिट करें, क्योंकि कितनी सारी है यहाँ पे, वीराना वाली मछली है ये जो फोन की जाती है, बट वाली है ये। ये मछली का मुझे नाम नहीं पता, अगर किसी को पता उसका कमेंट में उसका नाम बताएं। ये मछली को पहचाने आप, जो आप खाते हैं ये वही वाली है। यहाँ पे छोटी छोटी वाली मीडियम साइज की है, सबसे छोटी भी है, सबसे बड़ी भी है, हर तरह की मछली है। बाहर अलाउंसमेंट हो रहा है टर्की से, जापान से, पता कहाँ कहाँ से मछली आया है, पता नहीं लोहड़े की सजन रशिया की भी है, मतलब रशियन मछली भी है इसमें, तो आप देख सकते हैं रशियन मछलियाँ। तो हम लोग एंटर हो रहे हैं सेकंड टनल में और आप पब्लिक देख सकते हैं किस लेवल का क्राउड है। और जैसे ही इस टनल में एंटर होते हैं देख सकता है कि मैं समुंदर के अंदर से मछलियों को देख रहा हूँ, सच में ऐसा फील आता है। काफ़ी सेकंड टनल काफ़ी अच्छी बना रखी है, तो जो उसके अंदर डिज़ाइन दिए है और जैसे फिशेज को अरेंज कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया कर रखा है, एक बार आप ज़रूर विजिट करें, आपको भी मज़ा आएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे ही मैं फर्स्ट टनल में एंटर होता हूँ तो आपने देखा होगा वहाँ पे लड़की की आवाज़ आ रही है, मतलब शूट मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बना व्लॉग मैं रहा हूँ और आवाज़ लड़की की आ रही है, तो मैंने अपनी वॉइस को क्वीन की वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे आप कुछ गलत ना समझना। ओके, वीराना मछली देखी आपने, गजब का व्यू है, बहुत बढ़िया बना है। सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे जो लगा है एसी, बस यही राहत दे रहा। क्राउड देखिए आप, क्राउड किस लेवल की पब्लिक है, कानपुर वाले के लिए तो एकदम अजूबा हो रखा है, ऐसे मछली को देखने आ रहे हैं, इतनी भीड़ बहुत है, आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। इतनी गर्मी में वहाँ पहुँच के इसको एंजॉय करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आप लोग के लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप घर बैठे इस ब्लॉग को एंजॉय करें। तो ये और ब्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉग्स को वीडियो को आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक जरूर करिएगा वीडियो और शेयर करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में उसमें मैं सक्सेस पा सकूँ, आपके थोड़े से सपोर्ट से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। आप समझिए 45 के टेम्परेचर में आके यहाँ वीडियो शूट करना, फिर एडिटिंग बहुत ही लंबा प्रोसेस और बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे एडिटिंग में 3 दिन लगे, आप सोच सकते। चलते रहिए, रुके मत, आवाज लगाते रहे, एक जगह आपको रुकने नहीं देंगे, बस चलते रहें, वीडियो बनाएं, बाकी फोटो लेना तो स्क्रीनशॉट वीडियो से लें। और जैसा क्या ये मछली यहाँ पे पैसा कमा रहे, 100 रुपए का टिकट लेके तुम मछली देखे देख रहा हो, बढ़िया गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। और ये बिजनेस जिस में आया हूँ, मतलब मैं संडे नहीं आया हूँ, मंडे को आया हूँ, तब इतना क्राउड है, सोचिएगा संडे वाला तो कितना क्राउड होता। हमने देखी तो हम लोग उसको करीब से देखने आए, तो मेरा दोस्त कहता है ये तो लौकी का हलवा लग रहा है, इसकी स्किन का कलर ऐसा जैसे लौकी का हलवा। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, ये एक ही झुंड में बोला एक ग्रुप में है, ये अलग नहीं हो रही है, तो मैंने इनका नाम रख दिया मैग्नेटिक फिश, एक दूसरे से चिपकी हुई है। आप देखिए
इतने सारे एक्वेरियम टनल बना सकते, इनको यहाँ पे फिश के नेम मेंशन कर देना चाहिए था। अब पता नहीं इंसान को कौन सी फिश है क्या नाम है। गर्मी आप देख सकते हैं कितनी हो रही है, मेरे पसीना आप स्किन पे देख सकते हैं। बहुत सस्ते एक्सीडेंट मिल गया है, बस बाहर चलते हैं नुमाइश। इसके बाद टनल पूरी कंप्लीट हो गई और अब हम लोग आ गए हैं नुमाइश की साइड, जहाँ पे झूले वगैरह लगा हुआ है, जहाँ मेला लगा है। अब उस साइड आ गए हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर एंजॉय कर लेते हैं फिर। और नुमाइश में आपको यहाँ जोकर भी देखने को मिलेंगे, आईपी जोकर। बंगला बनाकर जिसका 60 रुपीज टिकट है और भूत बंगला देता, बंगला नहीं बेकार। ऐसे बुरा ना करिए आप, यहाँ आना नहीं, मैं तो मना कर रहा हूँ आपको। छोटे छोटे बच्चों के लिए किड्स की एक्टिविटी यहाँ पे लगा रखी है, वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है इस एग्जीबिशन का सबसे डेंजरस झूला। मैं सारे झूलों में बैठा हूँ लेकिन अब तक के इसमें नहीं बैठा, तो अब मैं जा रहा हूँ इसमें बैठने, जिसका 100 रुपीज पर पर्सन टिकट है। तो चलते हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी सीट्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कलरफुल सीट्स हैं और आपको आराम से बैठा देंगे, बेल्ट को टाइट कर देंगे और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो बस स्टार्ट होना, स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड स्लो थी, नॉर्मल थी, इंजॉय कर रहे थे। बाद में जब इसकी स्पीड बढ़ी और जब ये राउंड करा, तब आप मेरे फेस का रिएक्शन देखिएगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर जीता वही है जो माउंटेन ड्यू पीता है। और एक चीज नुमाइश में बिल्कुल अलग ही देखने को मिली, बिल्कुल अलग क्रिकेट। यहाँ पे देखा क्रिकेट हो रहा है, बैल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जो भी देख सकते हैं। वो सामने वाली बॉल वाली मशीन है जिसको बॉल आती है और बैटर उसको हिट करता है। पीका 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 छू। आप देख सकते हैं 100 रुपीज में आपको ये टेडी बियर मिल जाएंगे, जिसमें पोकेमोन है, टेडी बियर है, पांडा है और स्नेक है और वो मेढक है जिसकी एक आंख नहीं है और भी बहुत सी चीजें हैं। फाइनल गाइस, पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। आपको नुमाइश भी पूरी दिखा दी है और फिश टनल तो पहले दिखा दिया था, जो टनल 3 थे मैंने बताया भी 100 रुपए टिकट है। तो ऑल अबाउट पूरा कवर हो गया है और गर्मी बहुत लग रही है, ऐसे तैसे ब्लॉग को छोड़ दिया है। तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरी अभी बिगनिंग है। आपके एक सब्सक्राइबर आपके थोड़े सपोर्ट से मेरी लाइफ चेंज होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।